बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द नॉलेज अकेडमी चैनल। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक 1.2.3 है, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12। द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन है, ये ज़रा कम्प्लेक्स है, तो इसको समझाने के लिए ये स्लाइड है। अब ये कार्बन एटम है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12। और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। तो ये कार्बन का न्यूक्लियस है, जिसको 12 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो जो 12वां हिस्सा होगा 1/12 ऑफ कार्बन 12 6, वो क्या होगा, किसके बराबर होगा? 1 AMU। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में करते क्या हैं, किसी भी एलिमेंट का मास मेजर करने के लिए उसको, उसके मास को कार्बन एटम के 1/12 के साथ उसको रिलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पर एक इमेजिनरी सा बैलेंस बनाया है, जिसके एक साइड पे स्टैंडर्ड रखते हैं, जो कि यहाँ पर है रेफरेंस 1/12 ऑफ द कार्बन 12 6। कार्बन के एटम का 12वां हिस्सा उसको यहाँ पर स्टैंडर्ड या रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं, और दूसरा एलिमेंट जिसके मास मेजर करना होता है उसको दूसरी साइड पे रखा जाता है, और फिर पता चलाया जाता है कि जो एलिमेंट जिसका मास मेजर कर रहे हैं वो कार्बन के 1/12 से कितना भारी या कितना हल्का है। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का मास मेजर करने के लिए उसको कार्बन 1/12 ऑफ कार्बन के साथ रिलेट किया जाता है। तो इस वजह से इसको रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम दिया गया है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम हाइड्रोजन रखते हैं, हाइड्रोजन का मास हमें मेजर करना है, तो हाइड्रोजन का मास निकल के आएगा 1.008 AMU। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन 0.008 टाइम हैवियर है 1/12 ऑफ कार्बन एटम, मतलब इससे 0.008 टाइम हैवियर है। तो आई थिंक इस डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास इस डेफिनेशन में ऐसे ही बताया गया है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को कंपेयर किया जाता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, और फिर उससे किस एलिमेंट की एटॉमिक मास को मालूम किया जाता है। तो चूंकि रिलेट किया गया है एटॉमिक मास को, तो इस वजह से इसका नाम रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट विद सिंबल AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो सिंबल है उसको AMU कहा जाता है, जो कि क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। वन एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? कार्बन एटम के मास का 12वें हिस्से के बराबर। When this atomic mass unit is expressed in gram, जब इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर वन एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? 1.66⁻²⁴ ग्राम। अब प्रोटॉन का मास कितना होगा? 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि बराबर है 1.672⁻²⁴ ग्राम। और न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर है? 1.0087 AMU, जो कि 1.67⁻²⁴ ग्राम के बराबर आ जाता है। इसके अलावा मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 5.4⁻⁴ AMU, जो कि 9.1⁻²⁸ ग्राम के बराबर है। तो आई थिंक यहाँ से रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में समझ आ गया होगा।